अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंडे ठंडे मौसम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अर्से बाद जो है आप लोगों से गपशप होती जा रही है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इतवार बाज़ार और साथ साथ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन देखेंगे। और मेट्रो स्टेशन की कुछ ऐसी चीज़ें ही हैं जो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं बताऊँगी, तो मैंने साथ साथ वो भी कैप्चर की हैं। सोचा आप लोगों को साथ साथ वो भी कर दूं, क्या पता देखने से कितने लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो यहीं जी हम सब फ्रेंड्स और हम सब जो हैं वो मिल के जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पर। और मेट्रो स्टेशन से वो जो सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ से हम लोग लेंगे टिकट्स। और टिकट्स लेने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही प्लेजेंट वेदर था और हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जाएं और हम सब मिलकर वहाँ से जो है वो विंटर की जो है वो ग्रैंड शॉपिंग करें और ग्रैंड शॉपिंग हॉल आप लोगों से शेयर करें। ये जी हम लोगों ने ले ली हैं टिकट्स और अब हम लोग जो हैं आगे रवाना है और ये हूँ मैं। और एज़ यूजुअल जो हैं वो हम लोग गए थे जॉब से सीधा सीधा, तो पर इस वजह से जो हैं फुल फ्लज कवर में हैं। तो यहाँ से जो हैं हम लोग, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपनी फ्रेंड को गाइड कर रही हूँ कि जो है कैमरा जो है को किस डायरेक्शन में जो है उसने पकड़ना है। और फिर जो है वो हॉरिजॉन्टली मैं जो बोलती थी वो वर्टिकली रख लेती थी, मैं वर्टिकली बोलती थी वो हॉरिजॉन्टली रख लेती थी। तो बस इस तरीके से जो है ये मेरी वीडियो कैप्चर हुई है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को साथ साथ शक्ल शक्ल भी दिखाती जाऊँ ताकि आप लोग इंजॉय करें। यहाँ पर जो है हम लोग आगे मेट्रो स्टेशन में पहुँच गए हैं और वो जो आगे आपको क्राउड नज़र आ रहा है वहाँ पर हम लोग खड़े होंगे। तो हमारी जो बस आएगी उस बस पर हम लोगों ने बैठना है और हम ये जी हमारी आ गई है बस। और अब हम यहाँ पर जो है वो जाएंगे और अंदर का व्यू भी जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर जो है हम लोगों ने बैठ के मेट्रो को जो है वो एंजॉय किया है। और ये जी माई मेरी सारी फ्रेंड्स बैठ गई हैं और सामने मैं बैठी हूँ ये। और बाहर आप लोगों को वेदर भी बता रही हूँ कि ये वेदर जो है बहुत ही प्लेजेंट है। यकीन करें मौसम अच्छा हो तो आम सी आम जगह भी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। तो ये है जी वेदर, मैं स्पेशल उठी यहाँ से और ये अब आप लोगों के लिए कैप्चर किया है मैंने मेट्रो को, ताकि आप लोग मौसम को भी इंजॉय करें और साथ साथ मेट्रो को भी इंजॉय करें। होप्स हो कि आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेट्रो में गुजरा होगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वेदर के साथ तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये हैं जी मेरी फ्रेंड्स और इनकी मस्तियाँ चारा चक्कर हैं, स्लाइड्स ले रही हैं ये लोग यहाँ पे और इंजॉय कर रही हैं। बना रही नाम क्या था स्टेशन का? कश्मीर हाईवे। कितना लिखा था यार अंधेरे वाला स्टेशन। क्या मसला था तुम लोगों को स्टेशन का, क्या नहीं समझ आई? अंधेरा था बहुत, अंधेरे वाला स्टेशन था। आप थोड़ी लाइटें तो लगा दी। ये देखो इतनी बड़ी कंप्लेन इसने किया, कह रही है लाइटें लगा लो मेट्रो स्टेशन लगा देना चाहिए। और सबसे सैड न्यूज़ तो ये है कि हम जब इतवार बाज़ार पहुँचे तो हमें पता चला कि वो आगे बंद है, क्योंकि वो हफ्ता था और हम लोग जो है हफ्ते वाले दिन ही चले गए। पता चला कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मंगल को, जुमे को और हफ्ते को खुलता है। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप लोग भी हमारी तरह बेवकूफ़ी ना करें और आप लोग भी जो हैं वो इसको इतवार वाले दिन ही जाएं। पास ही एक और वहाँ पर डंडा बाज़ार लगा था तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए। ये इतना कुछ खास तो नहीं था लेकिन यह क्या है इसमें जो है ना कुछ ख़ास चीज़ मिल ही गई थी और हमने ले ली। तो साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं। तो आए चलें देखें। ये लगे हुए हैं वेलवेट और वूल के ड्रेसेस और ये थे 7700 के, बहुत ही रीज़नेबल और टू पीस थे ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। और इनमें से तो हमने कुछ नहीं लिया लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर ज़रूर कर दिया था ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये है जी G11 में जो लंडा बाज़ार है वो है, बहुत छोटा सा है लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वालिटी
काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर जो है वो जीन्स की पैंट भी जो है वो काफ़ी अच्छी मिली है, जो 50-50 रुपीज़ की थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली हैं। बस यही छोटा सा था जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। और यहाँ से फिर हमारी हो गई वापसी के का रास्ता हमने ले लिया और हम वापसी की तरफ चल पड़े। तो फिर इस मौसम को इंजॉय किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस मौसम को इंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।